हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बारिश में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में सामान्य के आसपास बारिश हुई है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि प्रदेश में बरसात की गति धीमी बनी हुई है और अब तक सामान्य से 40% कम बारिश हुई है। बीते 24 घंटों में नाहन में 63.9 मिमी, कंडा घाट में 48.0 मिमी, धोला कुआं में 39.5 मिमी, पछाद में 27.3 मिमी और शिमला में 26.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश में तेजी आने की संभावना है। लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं में कमी के चलते इस बार पहाड़ों में बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के अंत तक मानसून में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इस दौरान जिला प्रशासन और आपदा प्राधिकरण ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश घूमने वाले पर्यटकों से भी सावधानी बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि बारिश के दौरान भूस्खलन और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने का खतरा होता है।